तो आज मैं बैक साइड पे डिजाइन करके दिखाऊंगी। तो इसका जो कार्टिंग वीडियो अपलोड हो गया है, मैं डिस्क्रिप्शन पे उसका लिंक दे दूंगी, आप लोग वहां से जाकर जरूर देख लीजिएगा। तो अभी देखिए, यहां से मैं 1½ इंच नीचे की तरफ रखूंगी और फिर यहां से बिल्कुल यहां से 5 इंच नीचे। अभी यहां पे डिजाइन कर लीजिएगा, इस तरफ कितना देना है आप अपने हिसाब से दीजिएगा। 1 इंच भी दे सकते हो, 1½ इंच भी दे सकते हो। तो मैं यहाँ पे 1½ इंच रखूंगी। यहाँ पे कोई भी कैनवास या बॉक्रो मैं यूज नहीं करूंगी। अब इसको काट कर लेना है। यहाँ पे देखिए, मैंने अस्तर और ब्लाउज का फैब्रिक दोनों एक साथ यहाँ पे सिलाई कर लिया था। देखिए, यहाँ पे मिरर मैंने पहले एक सिलाई लगा लिया था, तब क्या होता है ब्लाउज का फैब्रिक और अस्तर बिल्कुल बराबर रहता है। अभी यहाँ पे पहले चारों ओर घुमा के सिलाई देना है। अभी यहाँ पे अस्तर लेना है, उसके बाद इसको ये जो सीधी साइड है अस्तर के ऊपर रखना है। अब यहाँ से घुमा के सिलाई कर लेना है, मिडल पे जरूर निशाना लगा के रखना है।
अभी हमें देखिए शोल्डर जॉइन कर लेना है, बैक और फ्रंट दोनों मिला के एक साथ यहाँ पे जॉइन कर लेना है। शोल्डर सिलाई करने के बाद अभी आपको नेक सिल लेना है, तो यहाँ पे आप चाहो तो पाइपिंग भी लगा सकते हो या नॉर्मल पुट्टी भी आप लगा सकते हो। अभी इसको देखिए इस तरीके से अंदर की तरफ फोल्ड करके दोबारा से हमें ऊपर की तरफ से सिलाई लगा लेना है। अभी हमें स्लीव्स यहाँ पे ज्वाइन कर लेना है। स्लीव्स ज्वाइन करने के बाद आपको यहाँ पे फिटिंग्स लगा लेना है। आपको अपने हिसाब से फिटिंग्स लगाना है, जितना भी आपका फिटिंग्स पॉइंट है वहाँ से आपको मिनिमम 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है। फुल बस्ट हेवी हो तो आपको 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है। फिटिंग्स के बाद इसको देखिए अंदर की तरफ फोल्ड करके सिलाई करना है और यहाँ पे एक डिजाइन होगा। अभी मैं डिजाइन तैयार कर लेती हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैंने और एक फेब्रिक लिया, इसका यहाँ पर लंबाई देखिए 7.5 और इस तरफ है 5 इंच से 2 फुट ज़्यादा। अभी इसको देखिए ऐसे फोल्ड करना है और घुमा के यहाँ पे इस तरीके से सिलाई करना है। और एक फैब्रिक मैंने लिया, ये 4 वोल्ट है और इस साइड पे देखिए 2 इंच लिया और इस साइड पे देखिए मैंने 1 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा लिया और लंबाई में देखिए 10.5 यहाँ पे हो गया है। आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा ले सकते हो। ये भी 4 वोल्ट में है देखिए। अभी इसको सिलाई करना है, यहाँ पे ऐसे इसको सिलाई करना है। अभी इसको पलटना है। अभी इसको भी सिलना है। तो अभी यहाँ से आप चाहो तो मेशीन से भी सिल सकते हो या तुरपाई भी कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे अंदर की तरफ पहले तुरपाई लगा लूँगी, जिस तरीके से मैंने यहाँ पे सिलाई किया अभी बराबर मिला के यहाँ पे तुरपाई कर लेना है।
पूरा घुमा के यहाँ पे तुरपाई लगा लेना है। तो यहाँ पे ये यह हो गया है। अभी यहाँ पे मैं एक डिजाइनर बटन लगा दूंगी इस तरीके से, तब देखने में और भी अच्छा लगेगा। अभी देखिए जो डिजाइन के लिए मैंने लिया था इसको लेना है। तो पहले यहाँ पर चाहो तो इस तरीके से सिलाई कर सकते हो। अभी देखिए इस तरीके से यहाँ पे बिल्कुल मिडल में से देना है और इसको नीचे की तरफ रखना है ऐसे। तो अभी देखिए इसको बिल्कुल यहाँ पे रखना है मिडल पे और अंदर की तरफ से इसको सिलाई कर देना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हो पूरा डिजाइन कंप्लीट हो गया है। तो ये डिजाइन आपको कैसा लगा कमेंट के द्वारा जरूर बता दीजिएगा। तो यहाँ पे अभी सिर्फ हमें हुक और आई तैयार करना है, बाकी ब्लाउज कंप्लीट हो गया है। तो फ्रेंड्स पसंद आने पे एक लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।